नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 11 अगस्त गुरुवार के दिन मनाई जाने वाली है रक्षाबंधन। आज की पूनम को नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। आज की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है दोस्तों। आज जो भी व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आज उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज समुद्र के भी पूजा की जाती है। आज की पूनम को नारियरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि भद्रा नक्षत्र है, पूनम शुरू होते ही भद्रा शुरू हो जाएंगे, तो आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही रहती है। क्योंकि इस नक्षत्र में, भद्रा में जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, ऊपर से संकट आप मोल ले लेते हैं। तो आज के दिन में राखी बिल्कुल भी ना बांधे, ना ही कोई नामकरण संस्कार करें, ना ही नए मकान में प्रवेश करें, ना ही नई कोई जगह इन्वेस्टमेंट करें पैसों का। कोई भी नया अच्छा काम, जैसे आप कोई वाहन खरीदना है, बिल्कुल भी ना खरीदें। कोई भी अच्छी बड़ी चीज आपको आज के दिन खरीद करके घर में लानी है, ना लाएं। कोई भी शुभ कार्य आज के दिन आप रात 8:52 के पहले ना करें। रक्षा सूत्र भी रात 8:52 के बाद ही बांधें। पूनम दो है, गुरुवार की भी है और शुक्रवार की भी है। जो शुक्रवार की पूनम है वो उदया तिथि की है, इसके लिए शुक्रवार के दिन भी लोग रक्षाबंधन मनाएंगे, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। तो इस रक्षाबंधन में एक उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया है, जरूर से कर लेना। यदि आपके भाई की लाइफ में कोई भी तकलीफ है, भाई की जिंदगी में से वो बेरोजगार है, घर में उसके कलह रहती है, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, पैसों को लेकर के तकलीफ में है, किसी कोई उसको रोग है, काफ़ी बहनें काफ़ी कमेंट में लिखती रहती हैं कि मेरे भाई को ये तकलीफ है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप लोग इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को करने से भाई के सिर में जो भी तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। आप जो पूजा की थाली तैयार करते हैं उसमें रक्षा सूत्र के साथ साथ हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मिठाई, ये तमाम चीज़ों के साथ एक फिटकरी का टुकड़ा भी जरूर रखें। क्या करना है? फिटकरी का टुकड़ा जरूर आपको थाली में रखना है। जब आप अपने भाई की आरती उतार लेते हैं, तिलक लगा करके राखी बांध देते हैं, उसके बाद आप तमाम क्रिया हो जाने के बाद फिटकरी का टुकड़ा ले। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप बाद में ले, आप पहले भी कर सकते हैं, राखी बांधने से पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाद में आप चाहें तो तिलक वगैरह करें और राखी बांधें। फिटकरी का टुकड़ा आपको ले लेना है। फिटकरी दोस्तों आपके जन्मों के पापों का नाश कर देती है, आपके तमाम बुरे कर्मों से आपको छुटकारा दिलाती है। फिटकरी दोस्तों जबरदस्त क्लीनिंग का काम करती है। कोई भी बुरी चीज, कोई भी जो ऐसे ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है, जो आप तक आप उन चीज़ों को नहीं आने देते जो आप चाहते हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को फिटकरी खोल देती है। बराबर, तो फिटकरी का टुकड़ा ले ली, अपने भाई के सिर से 7 बार फिटकरी को क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दें, और उसके बाद में उस फिटकरी को सिर से पैर तक 1 बार ऐसे सीधे लेकर के आए, और जो राइट पैर का अंगूठा है उसमें आप उसको जरा सा टच करवा दें, जैसे किसी चीज को ऐसे ऐसे टैप करते हैं, जरा सा उसको टच करवाएं। और उसके बाद में उस फिटकरी को आप गैस पर या चूल्हे पर डाल करके जला दें। आपके भाई के ऊपर कैसी भी मुसीबत है, कोई भी तकलीफ है, इस उपाय को आज के दिन करने से वो तकलीफ से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। जरूर करें इस छोटे से उपाय को। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्णा।